हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये है हमारा टारगेट डे 8 और टारगेट डे 9, मतलब इसमें दोनों टारगेट्स इंक्लूड हैं। अब ऐसा क्यों किया गया है, उसके पीछे की भी एक प्लानिंग है। बस माइंड के ऊपर से प्रेशर को कम करने के लिए ये चीज़ की गई है, अदरवाइज टारगेट उसमें काफ़ी कुछ इंक्लूड्स हैं। एक ही दिन टारगेट दिया जाएगा, मतलब शुक्रवार के दिन का ये टारगेट रहा, और इसके साथ कुछ कंटेंट आपको सैटरडे में मिलेगा। लेकिन सैटरडे के आधे दिन को आपको टारगेट्स के रूप में यूज़ करना है और आधे दिन को रिवीजन के रूप में यूज़ करना है, और जो संडे का पूरा दिन होगा उसमें आप लोगों को पीछे के सारे मतलब जितने भी हैं, क्योंकि सैटरडे के दिन भी हमें टेस्ट भी लगाना है, एक से दो टेस्ट लगाएंगे हम, लेकिन संडे के दिन सारे के सारे जितने टारगेट हुए हैं आज तक, 8 या 9 टारगेट हो जाएंगे। तो इस सारे के सारे का रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप लोगों को बता दूं, नई चीज़ें पढ़ने से 100 गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुरानी चीज़ों का रिवीजन करना है। अगर आपने पुरानी चीज़ों को रिवाइज नहीं किया और नई चीज़ें पढ़ते चले गए तो नोट्स का ढेर लगते चले जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं होने वाला है। समझ आ रही है ना? इसलिए रिवीजन की इम्पोर्टेंस को समझो। सिलेबस बहुत हद तक निपटता चला जा रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, आपका साइंस का जो सिलेबस है वो 30 से 40% लगभग 50% तक आने की ओर है। मतलब 40% से ज़्यादा सिलेबस निपट चुका है। अभी हमारे पास पूरे 30 दिन से ज़्यादा बचे हुए हैं, और 30 दिन तो डे वन के लिए बचे हुए हैं, लेकिन हमें सिलेबस उससे पहले ही सारा का सारा निपटाना है। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सिलेबस तो निपट जाएगा, सिलेबस निपटने में कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ है, जो चीज़ें करी हैं क्या वो याद हैं, और वो याद तभी होंगी जब आप लोगों को टाइम दिया जाए। तो आज फ्राइडे का दिन जो रहेगा आपके पास, उस फ्राइडे के दिन में आप जितनी चीज़ें कर सकते हो वो कंप्लीट करेंगे। कुछ चीज़ें मैं छोड़ दूंगा जो आप लोगों को मैं खुद सजेस्ट करूंगा। देखो, ज़्यादा लिपटने की कोशिश मत करो। अगर आपके पास टाइम बच रहा है, जैसे पुराने स्टूडेंट हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो दूसरे एग्जाम्स के भी क्वेश्चन लगवा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप न्यू स्टूडेंट हो या आपकी चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं, तो पहले अपने स्ट्रिक्ट टू सिलेबस रहो। जो चीज़ें सिलेबस में है पहले उन चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो मेन चीज़ क्या है, जो आपको कराया जा रहा है अगर आप इस पर फोकस्ड हो गए तो विश्वास मानिए इससे बाहर चीज़ें जाना बहुत ही मुश्किल है। और बाकी क्या बाहर जा सकता है क्या नहीं जा सकता है, इसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो लेके आने वाला हूं। उससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं आप लोगों को यह बता दूं, अपना जो मैंने एप्लीकेशन का बताया है, आप अपना कर्तव्य निभा लीजिए, इसमें आप लोगों का ज्यादा बेनिफिट है। ये देख रहे हो ना इस टाइम पे टाइमिंग क्या हो रही है, 3:07, अभी तक मैं सोया नहीं हूं, आप लोगों का लेक्चर शूट कर रहा हूं। तो ये वाली जो एनर्जी देख रहे हो, या अभी मैंने जो इससे पहले वीडियो दी और फिर अब आपके सामने वीडियो लेके खड़ा हूं, ये एनर्जी तभी है जब आपका सपोर्ट है। अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो लेक्चर भले ही मिलेगा या टारगेट भले ही मिलेगा, लेकिन उस एनर्जी के साथ नहीं मिलेगा, सारी चीजें डिले होंगी, मजा नहीं आएगा। इसलिए आपका, जब मैं अकेला बंदा आप 80,000 स्टूडेंट के साथ आपकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता हूं, अकेला बंदा, तो क्या आप 80,000 बच्चे में 80,000 से आपसे 20,000 लोग नहीं जोड़े जाएंगे? अगर अपने पास वाले, मतलब अपने पापा का फोन उठा लोगे, किसी और का भी फोन उठा लोगे ना, तब भी बड़ी आसानी से जोड़ लोगे। और अगर किसी को शेयर कर दिया तो बात ही अलग है। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, कुछ भी, तो जो वीडियोस टेलीग्राम पे दी हैं या जो इस टारगेट के नीचे लिंक दिया जा रहा है, उस वीडियो को अगर शेयर भी कर दोगे ना, तो बाकी काम यूट्यूब अपने आप कर लेगी। शेयर नहीं कर रहे हो तो कम से कम जाकर उस वीडियो को लाइक भी कराओगे ना, तो बाकी काम यूट्यूब अपने आप कर लेगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो फिर आप इन चीज़ों की मुझसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखेंगे जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आपको सिर्फ 1 से 3 स्टूडेंट जो आपका मन करता है, अगर किसी ने 3 कर दिए हैं तो उसने 2 स्टूडेंट का काम खत्म कर दिया। जो ज्यादा लालची हैं, देखो रिजल्ट सबको मिलते हैं, भगवान ऊपर वाला सब देख रहा है। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं रात के 3 बजे आप लोगों के लिए, और आप मेरे लिए इतना सभी आउटपुट नहीं दे रहे हो, जबकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा का पूरा, जिन बच्चों गरीब बच्चे थे वो कह रहे थे भैया टेस्ट सीरीज नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए भी बेस्ट टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर आप नहीं सोचोगे ना, तो भगवान सब चीजें देख रहा है, वो बेवकूफ नहीं है, वो जानता है कि जिससे आपने ज्ञान हासिल करा, जिससे आपने सब कुछ सीखा, अगर आप उसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो आप क्या ही करोगे? तो वो नहीं देख रहा है क्या? अगर कहीं लक की बात आएगी, मेहनत वाले को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, लेकिन लक बहुत बड़ी चीज होती है, और लक एक तरह का भगवान वाला फैक्टर होता है, अल्लाह वाला फैक्टर होता है। इसलिए मेरा दिल भी ना दुखे, भगवान का दिल भी ना दुखे कि यार जो आदमी दिन रात इनके साथ खड़ा था, मतलब रोटी भी मैं 1:30 बजे रात के खा रहा था, तब भी आप लोगों को अगर नहीं दिख रहा है, तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सोच लीजिए
कहीं ऐसा ना हो कि बाद में 0.2, 0.1 से किसी को प्रॉब्लम हो और बाद में सोचे कि मैंने गलत किया था। किसी के साथ कभी गलत मत करो, भला अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो बुरा तो करो ही मत। बाकी आपका मन है, जैसा आप करोगे वैसा करोगे। मेरी पूरी प्लानिंग है, 1,00,000 के करीब भी आ गए ना, मतलब 95,000 भी दिख गए मुझे कि ठीक है, अगर मुझे दिख गया कि 92,000-93,000 तक भी पहुंच रहे हैं सब्सक्राइबर, तो मैं उस चीज को लाइव कर दूंगा, बाकी काम आप करते रहो। वैसे 4 दिन है आप लोगों के पास, कोई बड़ी बात नहीं है, मंडे से पहले पहले इस चीज को कंप्लीट करा दो। मंडे के दिन एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी, आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे, आराम से टेस्ट दो, रैंक देखो, सब कुछ जो मन करे वो करो, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मिलेंगी, टाइम टू टाइम चीजें अपडेट होती रहेंगी। बाकी भैया आपका मन है, अगर आपका मन सपोर्ट करने का नहीं है तो मत करो, फिर उस चीज को आप जैसा आपका मन करेगा वैसे है, लेकिन भगवान सब देख रहा है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं। स्टैटिक जीके में आप लोगों के जो टारगेट्स हैं, स्टैटिक जीके में मतलब मैं अपनी मेहनत तो कर ही रहा हूं जितना भी करना है, स्टैटिक जीके में मैंने जो टारगेट रखे हैं, इसरो 2019-20 के प्रमुख मिशन, जो इसरो के मिशन है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि 21 में उसने क्या किया, कौन सा मिसाइल छोड़ी, क्या हुआ वो DRDO जो भी करता है, तो फिलहाल हम इसरो के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2019-20 के जो भी मिशन थे वो यहाँ हैं। इसरो के जो आगे मिशन आ रहे हैं, जैसे गगनयान है, मानव रहित कब भेजने वाले हैं, मानव सहित कब भेजने वाले हैं, मंगलयान हमारा दोबारा कब जाने वाला है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो इसरो करने वाला है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। एग्जाम में DRDO इसरो से रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। उसके अलावा प्रमुख झीलें, अब देखो कराने को तो मैं भी करा सकता हूं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं जितना मेरा टाइम है मैं दूसरी चीज़ों में दे दूं, जो बेस्ट टीचर्स इसके लिए पहले से प्रोवाइड करा रखे हैं वहां से आप कंप्लीट करिए। आपको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है, ज़्यादा रोना धोना नहीं है, बस सिलेबस कर लो। किसी ने 4 महीने पहले वीडियो प्रोवाइड कराइए, कहीं से भी कराइए, झीलें चेंज नहीं होंगी, जो पहले झीले थी वही अभी झीले हैं, 4 साल पहले भी वही थी आज भी वही हैं, इसलिए इनको याद कर लेना जो चीजें मैं आपको दूंगा। पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, इसका मैं आप लोगों को एक पेज प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि एनवायरनमेंट और महिलाओं से रिलेटेड चीजें सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। नवीनतम इंपॉर्टेंट बुक्स, ओल्ड वाली आप पढ़ चुके हो, अब न्यू लेटेस्ट बुक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आप ये जो बुक्स हैं ये मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आप वहां से धीरे धीरे याद करना, पहले जो मार्क करूंगा पहले उन्हें याद करना, धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं वो ये गलती करते हैं, एक साथ सारी चीजें लिख देते हैं, सारी मत लिखो, जो मार्किंग वाली चीजें हैं उन्हें या तो ऊपर लिख लो, या अगर सारी लिख रहे हो तो फिर उस चीज को मार्क कर लो जो मैंने मार्क करा है, जिस पे आपका ध्यान जल्दी चला जाए और वो चीज पहले याद हो जाए, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हो गया अगस्त सितंबर की इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों के लिए हैं। नदियों के किनारे बसे नगर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रुप डी 2018 में बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। क्या क्वेश्चन पूछे गए थे कि बनारस किस नदी के किनारे, ठीक है, या टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर, टेम्स नदी है ठीक है, इस तरह से, या लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगातार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। होगा क्या मैं बता दूं आप लोगों को, TCS ऐसे करती है कि कोई टॉपिक उठाएगी उसे लगातार 6-7 शिफ्ट में दे देगी, फिर अगला टॉपिक उठाएगी वो अगले 6-7 शिफ्ट में दे देगी, इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। इसलिए आप हर तरह से तैयार रहिए, साला यहां वाला टॉपिक उठ के आएगा तब भी हम कर लेंगे, वहां वाला आएगा तब भी हम कर लेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल एंड करेंसी, ये इतना सारा टारगेट इसलिए हुआ है क्योंकि 2 दिन का है, बिल्कुल घबराना नहीं है, धीरे धीरे जाएगा टारगेट। कैपिटल एंड करेंसी ओनली इंपॉर्टेंट कंट्रीज की करनी है, जहां हमारे PM मोदी जी गए हैं, जहां हमारे राष्ट्रपति जी गए हैं, वो वाली जो अभी यात्राएं हुई हैं। दूसरा कोई देश अगर चर्चा में रह जाए, जैसे यूक्रेन, रशिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो आपको कैपिटल करेंसी पता होनी चाहिए। और जो फेमस कंट्रीज़ हैं जैसे कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, एनर्जी थोड़ी सी कम दिख रही होगी क्योंकि अभी बोल के हटाऊं, मतलब आप समझ सकते हो थोड़ा सा सांस भी फूलने लग गया, अभी तो प्रॉब्लम हो रही है, बोलते बोलते मैं थक गया हूँ। साइंस क्लास 10th की जो NCERT है, चैप्टर नंबर 11, बहुत छोटा सा चैप्टर है, मानव नेत्र वाला चैप्टर है। देखो इस तरह से अगर आप चाहोगे तो मैं इसकी PDF भी भेज दूंगा, देखो पूरा लिखा हुआ है इसमें, देख सकते हैं आप यहाँ, ठीक है। और इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपके लिए निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछा ही जाने वाला है। जरा दूरदृष्टि का के बारे में पता होना चाहिए, और बाकी इसमें विकिरण दे रखा है, और क्या क्या दे रखा है, ज़्यादा चीज़ें इसमें है नहीं, छोटा सा चैप्टर है। आई होप कि जब आपने लाइट वाला चैप्टर कंप्लीट किया है उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया है, वो वाली चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन आपको टारगेट क्यों कम दिया जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न सुनो। बाकी वायुमंडलीय अपवर्तन पता ही है, प्रकीर्णन पता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं इसका कारण पता होना चाहिए बस, ठीक है, और सूर्य रक्ताभ लाल क्यों दिखाई देता है, बस इसके अंदर इतनी ही चीज़ें हैं। मेन चीज़ इसके अंदर जो है वो वही है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो अब मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़
ये जो दो चैप्टर दिए हैं लाइट वाला और जो ये नेत्र वाला चैप्टर है, देखो टारगेट कम इसीलिए हुआ है कि आप इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रिवीजन कर लो। अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी दे देता ना तो आप बहुत सारे बच्चों की हालत ख़राब हो जाती। क्यों? क्योंकि पुरानी चीज़ें याद ही नहीं होंगी तो आगे करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए भैया बार बार एक ही चीज़ कि वो जो चीज़ें बची हुई हैं उन्हें पहले याद कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब जो लाइट वाला चैप्टर है वो थोड़ा डिफिकल्ट भी माना जा रहा है, तो उसकी जो इमेजेस हैं कैसे बननी है, जब आप उस पर अपना दिमाग लगाओगे ना टीचर के पढ़ाने के बाद, तब आपको लगेगा कि हाँ यार चीज़ें समझ आ रही हैं। तो आपको जो रिवीजन का टाइम दिया जा रहा है उसमें इन चीज़ों को यूज़ करो, इस चीज़ को यूटिलाइज़ करो, अदरवाइज़ कुछ होगा नहीं। समझ रहे हो ना? तो इसके जो प्रीवियस ईयर हैं वो भी आप लोगों को लगाने हैं, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 11 वाला दे दिया है। और इसके साथ आपको लाइट वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर लगाने हैं, इसके भी प्रीवियस ईयर लगाने हैं। अब आप खुद सोच सकते होगे सिर्फ एक चैप्टर बच रहा है अभी इलेक्ट्रिसिटी वाला, और इसके अलावा एक चैप्टर हो रहा है आगे, उसमें तो विद्युत मोटर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आती नहीं है चुंबक से रिलेटेड। बस आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर बच रहा है, उससे एक दो क्वेश्चन आते हैं, बाकी आपकी फिजिक्स निपट गई 7-8 नंबर की। तो बाकी आपको समझ ही आ ही रहा होगा कि कितना सारा सिलेबस निपट चुका है आपका। बायो में जो अंतःस्रावी तंत्र है एंडोक्राइन सिस्टम वाला, ये आप लोग करना है। दो तंत्र हो चुके हैं, उनके आपने प्रीवियस ईयर भी लगा लिए हैं। मैं आप लोगों से कहूंगा जितने क्वेश्चन आपने नोट्स में बनाए हैं उसके अलावा प्रीवियस ईयर में अगर कोई नया क्वेश्चन मिलता है उसमें जोड़ लो, और लगातार फिर उसी चीज को पढ़ते रहो, अपने नोट्स को ही पढ़ते रहो फिर बार बार, और कुछ नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जेनेटिक्स का लेक्चर, ये कल के लिए स्पेशल है, मतलब आज के टारगेट में नहीं है, ये कल के लिए स्पेशल है। 2 घंटे का लेक्चर है, बहुत बड़ा लेक्चर है, और यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन निश्चित होता है, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन निश्चित है। इसके अलावा 6 to 7 pages, 5 तक दे चुका हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड, 6वां और 7वां पेज और आप लोगों के पास जाएगा, ये वाली चीज़ें आपको करनी है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी से ज़्यादा चीज़ें एकदम से रटने की कोशिश नहीं करनी है कि आज ही याद हो जाए, धीरे धीरे पढ़ते चलोगे सारी चीज़ें, जैसे ही ऑप्शन मिलेगा एकदम से टिक मार दोगे। अभी आपके पास जब मैं टेस्ट अपनी एप्लीकेशन में, हमारी एप्लीकेशन में जब टेस्ट जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जाएंगे सबके, सब्जेक्ट वाइज और आपके ये टारगेट्स वाइज, तो आपको लगातार सारे क्वेश्चंस के जब आप रिवीजन करके उन टेस्ट को लगाओगे तो आपको लगेगा। और मैं सोच रहा हूं कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट रख दिए जाएं जिससे कि आप बार बार प्रैक्टिस कर सको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप सो रहे होगे तब भी टेस्ट लगा के सो जाओगे कि इस बार मान लीजिए पिछली बार 15 आए थे, इस बार कोशिश करोगे कि इस बार 20 में से 20 नंबर ले आऊं या 50 में से 50 नंबर ले आऊं, इस तरह की प्लानिंग है। ठीक है, आप लोग बस सपोर्ट करिए, बाकी चीज़ें देखी जाएंगी। रोगों से प्रभावित होने वाले अंग इसमें इंक्लूड है, रोगों से कौन कौन से रोग से, जैसे मान लो कोरोना से चलो बताओ कि कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, इसी तरीके से मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, इस तरह की चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है। इसके अलावा ध्वनि स्रोतों से उत्पन्न जो ध्वनि है वो डेसिबल में तो मापी जाती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ज़्यादा शोरगुल वाली जो ध्वनि है उसकी कितने डेसिबल होता है। अच्छा ये बताओ, सामान्य बातचीत के लिए ध्वनि का जो तीव्रता है वो कितनी होती है, मतलब कितने डेसिबल होती है, ये आपको क्वेश्चन बताना है। इसके अलावा बात कर लें मैथ्स में, तो वर्ग तथा वर्गमूल और घन तथा घनमूल, ये दोनों चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं क्योंकि आपके पास 2 दिन है और ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, सिर्फ बेसिक क्लियर होना चाहिए। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि घन तो वो वर्ग तथा वर्गमूल वाले चैप्टर में किसी भी ट्रिक का यूज़ करने की कोशिश ना करें, आसानी से निकल जाता है। एक बार जो सिंपल वाला वर्गमूल आता है वो वैसे ही निकालें, 2 स्टेप में वर्गमूल निकाल लोगे। तो आरएस अग्रवाल के मैथ्स का आप बिल्कुल रेफरेंस ले सकते हो, बहुत ही ईजी तरीके से समझाया, आप बड़े आराम से कर लोगे क्वेश्चंस। घन तथा घनमूल हो गया, प्लस रिमेनिंग चैप्टर्स के आपको PYQ लगाने हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो डिस्टेंस और डायरेक्शन मैंने आप लोगों को दे दिया है रीजनिंग के अंदर, डिस्टेंस और डायरेक्शन, और 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के लिए दे दिए हैं। इतना सारा टारगेट आप लोगों को कंप्लीट करना है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से टारगेट को कंप्लीट करोगे और थोड़ा सा सपोर्ट चैनल को बना लो तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, साथ साथ हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, मुझसे ज़्यादा आप लोगों के लिए होगा, क्योंकि जिस एनर्जी के साथ मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा और जिस तरह से जो टेस्ट बनाने वाला बंदा है या जिसे मैं गाइड कर रहा हूं टेस्ट बनाने के लिए, वो भी एक नई एनर्जी के साथ जुड़ जाएगा जब हमारे साथ आपका सपोर्ट रहेगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। न्यू स्टूडेंट भी डायरेक्ट एप्लीकेशन से शुरू कर सकते हैं, 30 दिन के अंदर वो सिलेबस निपटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। लेकिन हार नहीं माननी है, कर लोगे, इसकी गारंटी है कि कर लोगे। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, सपोर्ट बना के रखो यार।